नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की किसान संयुक्त मोर्चा ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग उठाई, साथ ही कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए 16 किसान अभी भी लापता हैं। मोर्चा ने इसके अलावा आरोप लगाया कि किसानों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर यू टर्न लेने का आरोप लगाया जा रहा है। पीएम मोदी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी संसद में कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों पर यू टर्न क्यों लिया, जबकि पहले के समय में कांग्रेस ने इन्हीं सुधारों का समर्थन किया था। इस पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। उन्होंने पीएम मोदी की 2011 की एक सिफारिश का हवाला दिया है, जिसमें उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें कानूनी प्रावधानों के जरिए किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि किसान और व्यापारी के बीच कोई भी लेन देन MSP से कम पर ना हो। मतलब मोदी ने MSP पर कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन अब खुद उसी बात से यू टर्न ले रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने लिखा है कि इस यू टर्न को लेकर क्या कहेंगे वित्त मंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में शाहीन बाग आंदोलन को गैरकानूनी घोषित कर दिया है, साथ ही कहा कि विरोध प्रदर्शन करने और असहमति जताने का अधिकार कुछ कर्तव्यों के साथ है और ये कहीं भी व कभी भी नहीं हो सकता है। 3 जजों की बेंच ने शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े 12 कार्यकर्ताओं की एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। जस्टिस SK कॉल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, कहीं भी और कभी भी विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं हो सकता है। कुछ स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन हो सकते हैं, पर लंबे समय तक चलने वाले विरोध प्रदर्शनों के मामले में दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और हालत यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी कीमत 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। महंगा पेट्रोल आम आदमी की कमर तो तोड़ ही रहा है, तेल डालने वाली मशीनें भी इस रीडिंग को लेने में फेल हो गई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मशीनें पुरानी हैं और इनमें 2 अंकों को ही दिखाने की व्यवस्था है। ये मशीनें 3 अंकों को नहीं दिखा पा रही हैं और लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। जानकारों के मुताबिक 2021 में अब तक पेट्रोल डीजल के भाव 16 बार बढ़ चुके हैं और हालात ये हो गए हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 94.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमत 85.70 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत 88.14 और 78.74 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। 2 दिन के राजस्थान दौरे पर गए राहुल गांधी ने आज अजमेर के रूपनगढ़ में किसान रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान वो खुद ही ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। वहीं किसान सभा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब ये कानून लागू होंगे तब हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी कहते हैं कि मैं विकल्प दे रहा हूं। हाँ, हम मानते हैं वो विकल्प दे रहे हैं। वे 3 विकल्प हैं, भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या। राहुल ने एक बार फिर कहा कि मोदी उनके 2 मित्रों का ही फायदा करना चाह रहे हैं और वो कृषि क्षेत्र को भी उनके हवाले करना चाहते हैं। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बोलते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। इसके जवाब में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि त्रिवेदी ने कहा कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं तो उनको जाने दो और BJP के ICU में भर्ती हो जाने दो। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले TMC से BJP में जाने वालों की लंबी लिस्ट हो चुकी है, लेकिन TMC का कहना है कि नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने तेज तर्रार भाषणों के जरिए सरकार पर हमला बोलने वाली TMC सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा है कि उन्होंने सुरक्षा की मांग भी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनके घर के बाहर BSF के जवान तैनात कर दिए गए हैं। बता दें, महुआ मोहित्रा ने पिछले दिनों बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में तेज तर्रार भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लेकर भी सवाल उठाए थे। वहीं घर के बाहर पहरा लगाए जाने को लेकर महुआ का कहना है कि वे लोग मेरे मूवमेंट को नोट कर रहे हैं, इसलिए इनको तुरंत हटाया जाए। साथ ही मोहित्रा ने कहा कि सरकार हमारी जासूसी करना चाहती है। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने कहा, इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा।
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के वक्त केंद्र ने जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और तो और वहां अभी तक हालात भी सामान्य नहीं हुए हैं। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे हैं? आपने कहा कि आप गिलगित बाल्टिस्तान को लाएंगे, हालांकि ये बात की बात है, लेकिन कम से कम उन्हें तो वापस लाइए जो वहां से विस्थापित हुए हैं। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने अब भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। सुब्रमण्यन स्वामी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने 2020 में कहा कि कोई आया नहीं कोई गया नहीं, चीन को ये बहुत पसंद आया लेकिन ये सच नहीं था। बाद में जनरल नरवणे ने सैनिकों को आदेश दिया वे LAC पार कर पेंगोंग लेक को अपने नियंत्रण में लें ताकि चीनी चौकियों पर नजर रखी जा सके। अब हम वहां से पीछे हट रहे हैं, लेकिन डेपसांग से चीन के पीछे हटने का क्या हुआ? अभी तक नहीं हुआ है, चीन बहुत खुश है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लिए। हिटमैन के नाम से जाने जाने वाले धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आज 161 रनों की खूबसूरत पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां शतक था। वहीं इंग्लैंड की ओर से जैक लीच और मोइन अली ने 2-2 विकेट चटकाए। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।